जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिटकॉइन। आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं आजकल और आपका मीडिया में छाया हुआ है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है, भारत में लीगल है या इलीगल है, और आने वाले समय में क्या इसकी संभावना है, आप यदि खरीदना चाहें बिटकॉइन तो कहाँ से खरीद सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। और पर्सनली अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे घटित होती हैं और कितना रेट चल रहा है इस समय बिटकॉइन का, और आपको सिविल सर्विसेज की दृष्टि से भी जानना क्यों ज़रूरी है। या मान के चलिए जो भी लोग इंटरव्यू फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, ये बहुत ही फेमस टॉपिक होने वाला है बिटकॉइन, क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से बिटकॉइन के बारे में जानकारी होना सभी के लिए, आम लोगों के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन सिविल सर्वेंट बनने की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इंटरव्यू होंगे उसमें ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन क्या है इसके इसे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो बिटकॉइन देखिए वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, जो आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि जैसे रुपया है, डॉलर है, इस प्रकार से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी ये करेंसी। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, केवल ये जो करेंसी आपको इंटरनेट पर ही उपलब्ध रहेगी। ये जो आपको सिक्का जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सिक्का जैसा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल केवल और केवल दिखावटी सिक्का है। ये केवल आपको इंटरनेट पर ही इसकी तस्वीर मिलेगी, फिजिकल आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको कौन हैंडल करता है, यानी कि सरकार करती है या कोई कंपनी है या क्या है। ठीक है, तो आपको सब सबको पता होगा, सॉरी क्या नाम है उसका, सतोशी नाकामोटो नाम से कोई व्यक्ति है या कंपनी है। आज तक उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि एक एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो क्या है। ठीक है, वैसे व्यक्ति बताया था कि एक व्यक्ति व्यक्ति ने ये बनाया था। 2009 में इसकी जो वैल्यू थी वो 0 डॉलर के आसपास थी, लेकिन बाद में इसकी जो है बहुत ही तेज़ी से, इतनी तेज़ी से बढ़ा ये कि आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बैठा हुआ हूँ और आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो लगभग 13.5 लाख रुपये एक बिटकॉइन की कीमत है। 13.5 लाख रुपए आज से 3 महीने पहले ही 2 लाख रुपए थी, ये भी सुन लीजिए। 2 लाख, जिन लोगों ने 2 लाख लगाए उनके आज हो गए 13.5 लाख रुपए। ठीक है, हालांकि ये कम पैसे में भी खरीदा जा सकता है, आप चाहें तो 1,000 रुपये का भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ललचाइए नहीं। ये लीगल है इलीगल है इसके बारे में भी बात जानिए, लेकिन अभी तक का जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बिटकॉइन में ही हो रहा है, और सरकार की क्या मनसा है इस पर, तो आरबीआई ने कुछ तो बहुत ही ज़्यादा जो है बूम हो चुका है। सरकार की क्या मनसाएं हैं वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, हमारी सरकारी, क्योंकि कल ही जो आरबीआई है उसने कुछ चिंता जाहिर की है। अब तो भारत में ये लीगल है इलीगल है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं भारत में ये लीगल है या इलीगल है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी ना तो इलीगल है अभी भारत में, ना लीगल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा है, केवल और केवल एक चिंता जाहिर की है आरबीआई ने। तो हो सकता है आने वाले समय में इसको बैन कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये इसका जो ट्रांजेक्शन है वो सरकार के हाथ में है ही नहीं है, यानी कि आम लोगों के हाथों में है। ठीक है, आम लोगों के हाथों में है, यानी आम लोग जितना चाहे खरीदें, जितना चाहे बेचें, जितना चाहे रेट बढ़े, यानी कि कोई भी इस पर सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल केवल इंटरनेट के आधार पर ही, इंटरनेट पर ही ये चलता रहता है, इसके रेट बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपने विश्वास दिला दिया कि मेरे हाथ में इतनी महंगी चीज़ है, कौन खरीदना चाहेगा, तो 10 लोग आने लग गए, कहने लग गए कि मैं खरीदूंगा। एक कह रहा है कि 100 रुपये में मैं खरीदूंगा या 100 लाख रुपये में मैं खरीदूंगा, एक कह रहा है नहीं मैं 200 लाख रुपये में खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है तो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसे देखकर यार ये इतने में खरीद रहा है तो मुझे तो ये ज़्यादा में खरीद लेना चाहिए, इस प्रकार से जो है हो जाएगा। इस वजह से जो है इसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, केवल और केवल विश्वास, कुछ है नहीं है, लेकिन विश्वास दिला दिया है इंटरनेट की दुनिया ने कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग दौड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है,
तो भारत में अगर कहा जाए कि लीगल है इलीगल है तो बिल्कुल भी आप समझ गए होंगे कि ना तो ये लीगल है अभी ना इलीगल है, बस एक तरह से ये मान के चलिए। और बहुत सारे देशों में जो है, जैसे रूस हुआ, तो रूस में ये लीगल है एक तरह से, और उसने लीगल क्यों कर दिया है, केवल और केवल डॉलर को एक तरह से कंपटीशन देने के लिए। यानी अमेरिका का डॉलर है जहाँ से उपजा हुआ है, तो उसने क्या, वो इसे लीगल एक तरह से मानता है रूस, और बहुत सारे देशों ने इसे इलीगल भी घोषित कर दिया, जैसे चीन है, तो चीन ने इलीगल घोषित कर दिया है। तो चीन के बाद भारत जैसे देशों में भी ये मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय में इलीगल ही होने वाला है, क्योंकि इस पर सरकार का जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और सरकार क्यों चाहेगी, एक सेकेंड, सरकार क्यों चाहेगी कि उसके बिना कोई भी ऐसी करेंसी हो जिससे आदान प्रदान हो, तो मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार तो नहीं चाहेगी। तो आने वाले समय में ज़्यादातर देशों में ये बैन ही हो जाएगा, और ये एक तरह से गुब्बारे के रूप में अभी फिलहाल ये उभर रहा है। यानी कि गुब्बारा पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हवा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो वही स्थिति अब इस समय है, बताया जा रहा है कि 2021 तक ये 1 करोड़ का हो जाएगा बिटकॉइन। जो लोग एक तरह से 11, 12, 14 लाख रुपये में आज खरीद लेंगे तो वो 1 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में बीच में, मैं पर्सनली बताता हूँ, ये इलीगल बहुत सारे देशों में होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं है इस पर, लोगों का कंट्रोल है। तो गुब्बारे के रूप में फूट जाएगा और इसकी कीमत जो है फिर से डाउन हो सकती है। ये मेरा प्रिडिक्शन है पर्सनली, और ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ हैं। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया होगा भारत में क्या स्थिति है इसकी। तो आप सोच रहे होंगे मैं कितना भी बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा अपना इसके जरिए, जब मैं खरीदना चाह रहा था तो क्या हुआ था। तो अब आप कहेंगे कि हम कैसे खरीदें, जब भारत में लीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, तो कैसे खरीदा जा सकता है। तो बिल्कुल, एक जो है कंपनी है, या कंपनी कहें या ऐप कहें या वेबसाइट कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, जैप पे नाम से, ठीक है। तो ये काफ़ी सर्च करने के बाद पता पड़ा है, जैप पे के नाम से ये स्पेलिंग है। इसे आप डालेंगे जब गूगल प्ले स्टोर पर तो एक ऐप आ जाएगा, तो उससे इसकी ट्रेडिंग भारत में अभी हो रही है। ठीक है, तो उससे हो तो रही है, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी गया था, उस डाउनलोड किया मैंने, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भरी, लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर मेरा जो है जो अकाउंट था वो वेरीफाइड हो गया। वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुआ, ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब 4 चीज़ें बिल्कुल सही सही वहाँ पर चली जाती हैं, तो वेरीफाइड कर दिया जाता है आपका, फिर उसके बाद जो है आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन अपने पैसों से। ठीक है, लेकिन मेरा जब वेरीफाइड तो हो गया, लेकिन वेरीफाई होने के बाद दूसरे दिन मैंने जब खोला अपना ऐप, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से गायब थी। यानी कि कुछ नहीं मिला, ऐसा लग रहा था जैसे नया जो ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सेम उसी प्रकार की जो है स्थिति हो गई थी वहाँ। तो पर्सनली मुझे तो बड़ा बेकार एक तरह से मान लीजिए एक्सपीरियंस रहा इसका, जैप पे का। पता नहीं लोग कैसे इसे कर रहे हैं, और पता नहीं ये किस प्रकार से जो है काम कर रहा है। सारी चीज़ें थी, मुझे जानकारी है, मैं चाहूँ तो वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा, उससे किस प्रकार से खरीदा जाए या कैसे किया जाए, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी की पूरी वहाँ से मिट गई थी। ठीक है, अगर मैं बाई चांस खरीद लेता 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपये का, तो वो सारे के सारे पैसे कहाँ जाते, कैसे जाते, उस ऐप का क्या सिस्टम होगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता है। और कहीं भी इसकी ट्रेडिंग जो है भारत में नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ माइनिंग करने का सिस्टम भी बताते हैं, लोग खुद भी माइन कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो कंप्यूटर वम्प्यूटर का सिस्टम वो नहीं पता है। ठीक है, वो ज़्यादातर लोगों को जो जिन्हें जानकारी है उन्हें पता होगा। तो आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़ें, जो बढ़ रहा है बढ़ने दें, लालच में बिल्कुल भी ना आए कि मैं अगर 1,000 रुपये खरीद लूँ, बिल्कुल हो सकता है 2,000 रुपये का, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब इसे लीगल इलीगल ये सब चीज़ें, क्योंकि सरकार के हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो सरकार नहीं चाहेगी बिल्कुल भी कि हमारे बिना कंट्रोल के 1 रुपया भी का आदान प्रदान हो। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी बिटकॉइन के बारे में, आपको ये चीज़ें दी थी, आप चले जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली खरीदिएगा नहीं। ठीक है, खरीदिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा फर्जी सा लगा मुझे पर्सनली, जब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिट गई, यानी कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, आधार कार्ड और पेन कार्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, और उसने मेरा सारा डेटा जो है उड़ा दिया। और अच्छा है मैं नहीं जब तक अपने पैसे जो है इन्वेस्ट किए उसमें, वरना वो भी चले जाते, और मैं किसी से भी नहीं कह सकता था कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है इस प्रकार का। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते रहें एग्जाम मिट जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।